हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास टेंथ के सब्जेक्ट साइंस में साइंस वाले भाग फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करेंट पार्ट 3 अध्ययन करेंगे। मतलब सीखेंगे कि इसमें जो हमारे चालक होते हैं, मतलब कंडक्टर जिसे कहते हैं, वे कंडक्टर किन पे निर्भर होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आप देखेंगे है, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब वे कारक जो किसी चालक तार के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें पहले एडिंग है आपका, जैसे लेंथ क्या होता है, जो हमारा चालक है उस चालक का लेंथ कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जिससे हमारे प्रतिरोध का मान में क्या हो, ज्यादा वृद्धि में ज्यादा कम लगभग इक्वल होना चाहिए। तो जो वे चालक होते हैं, चालक के जो तार होते हैं, वह किस तरह से निर्भर होते हैं, आइए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। लेंथ क्या आपका किसका लंबाई, मतलब चालक जो तार है आपका, उस तार की लंबाई पे प्रतिरोध कैसे निर्भर होता है। तो देखिए यहाँ जैसे लिखा गया है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आर प्रोपोर्शनल एल, मतलब यदि लंबाई को जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। मतलब आप किसी भी चालक का यदि लंबाई में वृद्धि करते हैं तो उसके वृद्धि के साथ साथ प्रतिरोध का मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा गया है किसी भी चालक तार का प्रतिरोध आर चालक की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल एल, मतलब लंबाई को बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक, मतलब इस तरह से आपका पहला पॉइंट रहा लंबाई, लंबाई के बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो जब हम लोग जो उसका अनुप्रस्थ काट होता है, अनुप्रस्थ काट से तात्पर्य जैसे आप लोग यह चार देख रहे हो, यदि यह भाग है तो क्या अनुदर है, लेकिन इस भाग की जो मोटाई है इसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ। जो यह वाला भाग है इसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यदि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में अगर हम लोग वृद्धि करते हैं, यदि किसी चालक कार का यदि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यदि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मान उसके जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप लोग देख रहे हो कि कार का प्रतिरोध आर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि उसके काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आर प्रोपोर्शनल 1/ए, इसलिए आप देखते हैं कि जो पतले तार होते हैं, पतले तार में प्रतिरोध के मान क्या होंगे, अधिक होंगे। लेकिन जो ही हम लोग मोटे तार लगाते हैं, मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इस कारक के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आप मोटा तार लेते हैं तो मोटे तार में जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसका मान अधिक होता है। लेकिन जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान अधिक होगा तो यहाँ प्रतिरोध का मान में क्या होगा, कमी होगा। ठीक, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है किसका, किसी चालक का, यानी तार का प्रतिरोध कैपिटल आर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आर प्रोपोर्शनल 1/ए। मतलब क्षेत्रफल बढ़ाएंगे किसका, अनुप्रस्थ का, जो आपका यह वाला भाग इसे हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। अनुप्रस्थ को बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध के मान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक, अगली पॉइंट है मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति। मतलब वो पदार्थ की प्रकृति कैसी है जिससे हमारे प्रतिरोध मतलब क्या हो रहा है, उस पर डिपेंड है। तो जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थों की जो प्रतिरोध होता है वह भिन्न भिन्न होता है। क्यों भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि जो
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, मतलब जब उस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वह आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है भिन्न भिन्न पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण यदि आपका वो पदार्थ से निर्मित जब आपका चालक है यदि वह भिन्न भिन्न पदार्थों से बना है तो उसमें प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी पदार्थ को यदि आप लोग परिवर्तित करेंगे तो चालक के तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर रहता है क्या आपका, चालक का प्रतिरोध। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, या तो यह भी कह सकते हैं कि भिन्न यदि तार के पदार्थों मतलब जो निर्मित है अगर उससे भिन्न भिन्न पदार्थों से बनाते हैं तो उनमें जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग आते हैं यहाँ पे आपका टेम्परेचर। जो टेम्परेचर मतलब किसी जो कंडक्टर में जो टेम्परेचर यूज करते हैं, चालक का जो तार होता है, तार में यदि हम लोग ताप को बढ़ाएंगे, यदि हम लोग चालक में ताप को बढ़ाएंगे तो ताप के बढ़ने के साथ साथ जो चालक का तार होगा उस चालक के तार में प्रतिरोध के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी, कि जो ताप का मान होता है आपके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध जानने के लिए इसके पहले जो आप जाने हैं कि वे कारक जो चालक के प्रतिरोध पर प्रतिरोध क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, जो प्रतिरोध है उनपे निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे जानने के लिए हमें विशिष्ट प्रतिरोध को, जैसा आप इसके पहले पढ़े हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई, किसी चालक तार के प्रतिरोध चालक के तार की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो चालक है चालक की जो लंबाई है प्रतिरोध उसके अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि दोनों को हम लोग संयुक्त कर देंगे मतलब मिला देंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है इस नियम से R प्रोपोर्शनल L बाई A। या तो कर सकते हैं कि R बराबर रो L बाई A। रो क्या है यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ से आपका जाएगा तो R A बटे L। अब इसका मात्रक क्या होता है आपका, ओम मीटर, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का। यदि आप लोगों का एग्जाम में एक नंबर में आ सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो आप लोग लिखेंगे ओम मीटर, इसका विशिष्ट प्रतिरोध का।